नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला में। देखो भाई, जैसा भी आपको पता है कि ग्रुप डी की परीक्षाएं ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी और काफ़ी समय बीत रहा है। अगर मुझे जहां तक याद है तो 11 अक्टूबर है ना, अगर मैं करेक्ट हूँ तो आप लोग सही कर देना, या तो 11 सितंबर हो रहा है तो 11 अक्टूबर होगा। मतलब ये वो लास्ट परीक्षा थी जब हुबली जोन वालों ने दिया था, 11 अक्टूबर था है ना। तो अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया और ऑलमोस्ट नवंबर निकलने वाला है। तो एक चीज़ है कि एक मन में प्रश्न उठता है कि ये सवाल कि रिजल्ट कब तक आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो क्या होने वाला है, यानी रिजल्ट में कितने बच्चों तक ये सिलेक्शन हो जा रहा है, मतलब कितने नंबर तक आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए हम लोग बात यहाँ करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, जो अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मेरा NTPCT लेवल 4 में हो गया, मेरा NTPCT लेवल 6 में हो गया। तो एक बात सोचने वाली बात है कि NTPC में जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 35,000, और ऑलमोस्ट जो भी NTPC में सेलेक्ट हुआ होगा श्योर है कि उन्होंने ग्रुप डी का भी फॉर्म डाला होगा और उनका सिलेक्शन ग्रुप डी में भी हुआ होगा। तो अगर रेलवे ऐसा करता है कि इस NTPC वालों का पहले रिजल्ट दे दे, ध्यान से सुनिए ना बात को, अगर ये NTPC वालों का रिजल्ट पहले आ जाता है, कहने का अर्थ ये है कि ये 35,000 लोगों का पहले से ही पता चल जाता है कि भाई तुम्हें नौकरी मिल चुकी है, तो मेरे हिसाब से ये 35,000 लोग कभी आगे जाके ग्रुप डी की DV भी देने नहीं जाएंगे। अब अगर ये 35,000 लोग ग्रुप डी की DV नहीं देने जाएंगे तो ऑलमोस्ट ग्रुप डी का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम होने वाला है। तो बहुत सारे लोग 60-65 के आसपास बता रहे हैं, मैंने पहले खुद भी बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ये कह सकते हो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये लोग कन्फर्म ग्रुप डी का एग्जाम या यू कहिए DV छोड़ने वाले हैं। और अगर इन्होंने DV छोड़ दिया तो विश्वास मानिए कि जिन भी बच्चों का 55 से 50 के बीच या 50 से 55 के बीच नंबर आ रहा है तो वो लोग अपनी PET की तैयारी को जारी रख सकते हैं, है ना। तो अगर आपका इस कैटेगरी में नंबर आ रहा है, वो भी जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं OBC SC की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने में भी नंबर आ रहा है तो आप डेफिनेटली अपनी PET की तैयारी को कीजिए। रही बात रिजल्ट की, तो जैसा कि आपको पता है कि लेवल 4 लेवल 6 का लगातार रेलवे पैनल जारी कर रहा है, अलग अलग बोर्ड का जारी कर रहा है, उसके अलावा बहुत जल्दी लेवल 3 का भी रिजल्ट आ जाएगा, 5 का भी आ जाएगा, धीरे धीरे सारे रिजल्ट आएंगे। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 15 दिसंबर के आसपास, या 15 दिसंबर या हो सकता है उससे पहले भी, 10 से 12 दिसंबर के आसपास देखिएगा ग्रुप डी का भी रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ग्रुप डी की जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो लगभग 10 से 12 दिसंबर के आसपास बताई जा रही है कि इसी के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। बट रिजल्ट के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा PET के लिए, PET के लिए हो सकता है जनवरी में ही PET का दिया जाए, है ना। तो आप लोग अगर तैयारी इतने नंबर के आसपास आ रहा है तो आप अपनी PET की तैयारी को एकदम जारी रखिए। बहुत जल्दी कह सकते हो आपको खुशखबरी जरूर सुनने को मिलेगी, विश्वास मानिए NTPC का अगर रिजल्ट कंप्लीट रूप से पहले आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि NTPC वाले बच्चे कभी ग्रुप डी की DV या PET की तैयारी नहीं करेंगे। आप खुद सोचो यार, जिसने नौकरी लग रही हो NTPC में, क्या वो दौड़ना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना, वो PET में जाए रही नहीं, फिजिकल में जाए रही नहीं, समझे ना बात को। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि PET के लिए जो बच्चे लेने हैं वो 3 गुना बच्चे लेने हैं, मतलब 1,00,000 का 3 गुना ऑलरेडी है ना। तो ध्यान रखिए ना, अगर इसके आसपास नंबर आ रहा है तो पहले से PET की तैयारी कीजिए, टूटी तुरंत PET की तैयारी नहीं हो सकती। चलो फिर, बाकी आपको क्लास का टाइमिंग पता है, क्लास का टाइमिंग मेरा शाम के 7 बजे, आइए और हम लोग अगले नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो अगला एग्जाम है हम लोगों का, अगला एग्जाम जो है वो कह सकते हो रेलवे में 2-3 वैकेंसी है जो बहुत जल्दी आने वाली है। उनमें से एक है आपका RRB JEE, दूसरा है तुम्हारा ALP & Technician, अरे इसके अलावा जो है सुनने में जो मिल रहा है वो TTET वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, RPFT। तो बच्चा ये सारे एग्जामों में मैंने पहले ही बता रखा है कि साइंस का एक अलग वेटेज होता है और साइंस डेफिनेटली पूछी जाती है, इनमें से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें साइंस ना है। तो साइंस की क्लास को, साइंस को कंप्लीट करने के लिए आप मेरा साइंस का कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो। मैं पहले ही बता रखा हूँ कि साइंस का कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको ये तीनों 499 में है। अगर आपको ले, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक बार लेके देखो, है ना। बहुत सारे बच्चे मुझसे ग्रुप डी में पढ़े, मैंने लास्ट तक पढ़ाया है साइंस। देखिएगा, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, इससे बाहर नहीं जाएगी। फिलहाल अगर आपको साइंस का ये कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप इस नंबर 9369887046 इस पर कॉल कर लीजिए।
या फिर डायरेक्ट भी आप ले सकते हो, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और माई पाठशाला के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप ये डायरेक्ट ले सकते हैं। विश्वास मानिए, रेलवे में सबसे ज्यादा पूछी जाती है फिजिक्स, और एक बार मेरा फिजिक्स कंप्लीट पढ़ते देखिए आप, जितना भी फिजिक्स पढ़े हैं उन सब में आपको, मतलब अगर आपको फिजिक्स बहुत ज्यादा भी आता है तब भी आपके नॉलेज में कम से कम 200% की वृद्धि होगी, है ना। सिर्फ फिजिक्स भी अगर लेना चाहते हैं इंडिविजुअल तो आप 199 में सिर्फ फिजिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों लेंगे तो वो 499 में पड़ेगा। ओके, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं शाम के 7 बजे वाली क्लास में। डेली की तरह हम लोग शाम के 7 बजे एक स्टैंडर्ड लेवल पे साइंस को चलाते हैं। धन्यवाद।